वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम यू ऑल इन क्लास 11th इकोनॉमिक्स. सो एज यू नो दैट फ्रॉम द प्रीवियस फ्यू क्लासेस वी आर कंटिन्यूसली रिवाइज द डूइंग द डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर अरिथमेटिक मीन. सो इन टुडेज क्लास ऑल्सो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस related to the chapter, that is central tendency arithmetic. Okay, so let us do the one example for this exercise question, calculation of the arithmetic mean when there is unequal class interval is given. तो जब अनइक्वल क्लास इंटरवल गिवन है तो हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन लेते हैं. क्लास इंटरवल एंड द फ्रीक्वेंसी. क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी क्या है आपका? 10 to 20, 20 to 40, 40 to 70, 70 to 120, 120 to 200. फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? 4, 10, 26. 4, 10, 26, 8, 2. सबसे पहले हम यहाँ पे मिड वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, देन एफ एम निकालते हैं. फिर हम लोग समीशन एफ एम करेंगे और यहाँ पे समीशन एफ करेंगे. देखिए कितना आ रहा है, 26 + 10 हो गया आपका 36. 36 + 4, 40, 40 + 10, 15. राइट, अब यहाँ पे मिड वैल्यू निकालते हैं. 30 by 2, 15, 60 by 2, 30. ये हो गया 70 + 40 / 2 हो गया 55. ये हो गया आपका 190 / 2. ठीक है, ये हो गया ना. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई किसका करना है? 15 × 4 दैट इज 60. ठीक है, 15 × 4 जा क्या हो गया? 60 हो गया. नेक्स्ट है आपका 30 × 10, 300. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? 55 × 26. ठीक है, 55 × 26. सो 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 11, 3, 1, 4, 3, 0. ठीक है, ये हो गया 1, 4, 3, 0. नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन क्या है? 95 × 8. सो 95 × 8 हो गया आपका 8 × 5 = 44, 760. ठीक है, 760. अभी क्या हो गया आपका? यस, 2, 2 × 6 = 12, 320. अब इसको हम लोग सम करते हैं. 1, 4, 3, 0, 360, 0, 6 + 2, 8, 10. 4, 3, 7, 8, 2, 8, 7, 0. 2,870. ठीक है, 2,870.
70, again summation FM 2870। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें इसका फॉर्मूला तो पता ही हुआ है, हम बस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। सो समेशन, सॉरी, समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ, यहाँ पे क्या हो गया, समेशन एफ एम, समेशन एफ एम हो गया 2870 डिवाइडेड बाय समेशन एफ कितना है, दैट इज 50। 57.4। अनइक्वल क्लास इंटरवल की कितनी हो गई, 57.4। अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल देखिए यहाँ पे दे रखा है, पहले 10 का गैप, देन 20 का गैप, 30 का गैप, 50 का गैप और 80 का गैप, तो हमें कोई टेंशन नहीं की जरूरत नहीं, हमें कोई इक्वल नहीं करना, हमें तो ऑलरेडी इसकी मिड वैल्यू निकालना है, तो हम डायरेक्टली इसकी क्या कर देंगे, मिड वैल्यू निकाल देंगे, है ना। मिड वैल्यू हमें निकालना आता ही है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, देन समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ, एफ एम आ गया 2870, एफ आपका 50, डिवाइड करके वी गेट द वैल्यू ऑफ दी अर्थमेटिक मीन। सो द नेक्स्ट वन इज दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द करेक्टेड अर्थमेटिक कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अर्थमेटिक मीन, ओके। सो इसमें क्या कह रहा है कि समटाइम्स इन द कैलकुलेशन ऑफ द अर्थमेटिक मीन सम आइटम ऑफ द वैल्यूज आर रॉन्गली टेकन, ठीक है, क्या होता है कि कुछ वैल्यूज और जो आइटम्स होते हैं उनको गलत ले लिया जाता है, रॉन्गली टेकन, सो ड्यू टू मिस्टेक और द ओवरसाइट, ठीक है, या तो मिस्टेक है तो ओवरसाइट, देखते नहीं है, देख नहीं पाते हैं, इसकी वजह से गलत हो जाता है, सो अकॉर्डिंगली द मीन वैल्यू गोज रॉन्ग। अब उससे क्या हो जाता है कि जो मीन वैल्यू है वो भी रॉन्ग हो जाती है। सो सच मीन वैल्यू कैन बी करेक्टेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या है करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी दिस फॉर्मूला। हाँ, तो ये है इसका फॉर्मूला, दैट इज समेशन एक्स विच इज रॉन्ग प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन, डिवाइड किसे करेंगे, एन से करेंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि
कैलकुलेशन करेक्टेड अरिथमेटिक मीन का हम लोग कैसे करेंगे, जो समीशन एक्स दिया है विच इज रॉन्ग प्लस जो करेक्ट वैल्यू दी है उसको हम लोग माइनस कैसे करेंगे इन करेक्ट वैल्यू से एंड देन डिवाइडेड बाई दी एन, जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे. ठीक है, सो ठीक है, तो अभी क्या करते हैं क्वेश्चन देते हैं हम लोग. क्वेश्चन इज मीन मार्क्स obtained by 100 students, 100 students are estimated to be one value was read as 86 instead of 26. Find out the corrected mean. Find out corrected mean. आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, करेक्टेड मीन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि मीन मार्क्स ऑब्टेन किया 100 स्टूडेंट. सबसे पहले हमें समीशन एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मीन मार्क्स है, मार्क्स 100 स्टूडेंट का मीन मार्क्स निकाला गया वो कितना आया है 80. ठीक है, बाद में देखा जा रहा है लेटर ऑन इट इट वॉज फाउंड दैट वन वैल्यू वॉज रीड एज 86. एक वैल्यू को 26 के प्लेस पे हम लोगों ने 86 प्लस कर अज्यूम कर लिया, उसको ले लिया. अब कह रहा है कि अब करेक्टेड मीन निकालो. ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्या है सॉल्यूशन, इसको देखते हैं. एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन. हमारे पास अर्थमेटिक मीन दिया है और हमें समीशन एक्स निकालना है विच इज टेकन एज दी रॉन्ग. ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन यहाँ पे कितना दिया है, दैट इज 80 इज इक्वल टू समीशन एक्स आपको फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गिवन 100. ठीक है, सो समीशन एक्स कैसे निकलेगा, 80 into सो आपका समीशन एक्स आ गया 8000. राइट, नेक्स्ट हम क्या करेंगे उस फॉर्मूला पे पुट करेंगे और करेक्टेड मीन को निकालने के लिए. तो क्या फॉर्मूला है, समेशन एक्स विच इज टेकन एज दी रॉन्ग प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई एन. उसको हम लोग क्या करेंगे, एन से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे हम लोगों ने रॉन्ग जो समीशन एक्स निकाला वो क्या है 8000 प्लस करेक्ट वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 26. ठीक है, और इनकरेक्ट वैल्यू क्या है, दैट इज 86 डिवाइडेड बाय 100. 8000 प्लस 26 माइनस 86 अपॉन 100. सो हो गया आपका 8000 प्लस माइनस माइनस 86 माइनस 20 करेंगे 16 अपॉन
क्या होगा? नेक्स्ट होगा आपका, इसमें से माइनस करते हैं, 0497। ठीक है, याद है? सो एक्स इज इक्वल टू 86 ले लिया था, उस केस में अर्थमेटिक मीन क्या आ रहा है? दैट इज 80। बट जब बाद में इसको देखा गया, बाद में वी फाउंड दैट कि हम लोग ने गलत वैल्यू ले ली थी, 86 ले लिया था इंस्टेड ऑफ 26। अब कह रहा है कि आप करेक्ट अर्थमेटिक मीन निकालो, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे आपका, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन तो ऑलरेडी है, हम लोग समेशन एक्स फाउंड करेंगे जो रॉन्ग दे दिया गया। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। सो ये आपका 80, समेशन एक्स कैलकुलेट करना है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 8000 आ गया। फिर हम लोग इस फॉर्मूला पर पुट कर देंगे, रॉन्ग प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई एन। रॉन्ग आपका 8000, करेक्ट था आपका 26, इनकरेक्ट था 86, डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करके आपका करेक्ट जो अर्थमेटिक मीन है वो आ गया, दैट इज 79.4। तो यही क्या है? करेक्टेड अर्थमेटिक मीन है। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू। Finding the missing value. So, if the mean of the series is given, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपके क्या है, मीन क्वेश्चन दिया है, बट सम वैल्यू इज मिसिंग, बट उसकी कुछ वैल्यूज क्या है, वो क्या है, मिसिंग है। सो द मिसिंग वैल्यू मे बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। हम उस केस में क्या है, फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, अर्थमेटिक मीन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 टिल xn डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना अर्थमेटिक मीन, सेम हम क्या करेंगे, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो लेट अस टेक दी वन एग्जांपल रिलेटेड टू इट। ओके, क्वेश्चन इज, सपोज मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम इज 60। ठीक है, सपोज मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स इज 60। 10, 25, 30 and 35. ओके, सो 10, 25, 30 and 35 respectively. So find the missing fifth value of the series. Find the missing fifth value of a series, right? क्वेश्चन में है कि 5 क्या है, 5 आइटम्स दे रखे हैं, उनकी मीन वैल्यू दे रखी है, दैट इज 60। 4 वैल्यूज ऑलरेडी है आपके पास, दैट इज 10, 25, 30 and 35, एंड फाइंड द मिसिंग फिफ्थ वैल्यू ऑफ द सीरीज। सीरीज का जो फिफ्थ वैल्यू है, यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, सो फर्स्टली वी विल पुट इन आवर क्वेश्चन, सो द फॉर्मूला इज अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3
plus x4 plus x5 divided by the number of observation, right? So arithmetic mean की value हमें यहाँ पे दे रखी है 60, x1 है यहाँ पे 10 plus 25 plus 30 plus 35. अभी ये कोई value दे नहीं रखी तो हमको हम इसको assume कर लेते हैं that is x. So total number of observation यहाँ पे कितना है that is 5. 5 is the total number of observation that 5. So अभी क्या करेंगे यहाँ पे we will do the क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 60 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस x. ओके, सो ये हो गया 5 6 30 300. अभी इसको हमें सम करना है 10 10 प्लस 30 हो गया आपका 40, 10 25 और 35 5 5 10 90 प्लस x. x इज द फिफ्थ मिसिंग वैल्यू. x ही है क्या है आपका जो मिसिंग वैल्यू है, यू हैव टू कैलकुलेट दैट वन. सो ये हो गया आपका 300 प्लस 90 प्लस x. तो दिस 30 प्लस 40 सॉरी दिस विल बी 100, राइट? ये आपका 100 होगा, है ना? 100 प्लस x. इसको सम करेंगे तो कितना हो गया 40, 30 प्लस 10 40, 35 प्लस 25 हो गया आपका 60. ठीक है, सो 60 प्लस 40 दैट इज 100. तो अभी आपका 300 इज इक्वल टू 100 प्लस x. सो 300 में से 100 माइनस करेंगे इज इक्वल टू x. तो यहाँ पे आ गया 300 x. तो जो भी मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है, मिसिंग वैल्यू इज 200. तो यहाँ पे आपका जो फिफ्थ आइटम हो गया वो क्या हो गया 200. ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अभी क्या है फिर ऐसे ही. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट है मेरिट एंड डी मेरिट्स ऑफ द अरिथमेटिक. क्या उसके मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं. सो मेरिट्स ऑफ द अरिथमेटिक मीन इट इज सिंपल. ठीक है, सो व्हाइल वी आर गोइंग थ्रू द कैलकुलेटिंग द अरिथमेटिक मीन, सो अरिथमेटिक मीन इज अ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज अ फंक्शन और एज अ सेंट्रल टेंडेंसी. सो इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. नेक्स्ट है इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है कि कोई भी जो डेटा होते हैं सीरीज को, इनको वो रिप्रेजेंट करता है. एंड इट इज़ रिजिडली डिफाइंड. ठीक है, इसकी जो वैल्यूज होती है वो ऑलवेज डेफिनेट होती है एंड अ फिक्स्ड वैल्यू होती है. एंड ऑल द मेथड्स ऑफ द कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन गिव द सेम डेफिनेट नंबर ऑफ द अरिथमेटिक मीन इन अ सीरीज. ठीक है, सेम एग्जैक्टली जो मैनर में है वही उसकी वैल्यू वो उसको देता है. फिर क्या, इट इज़ अ कैपेबल ऑफ द अलजेब्रिक ट्रीटमेंट. ये क्या है, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी क्या है, कैपेबल होता है कि फर्दर अगर हमें कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए कोई भी मेथड्स को यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन या और भी अगर अदर जो कोरिलेशन हो गया, आगे जो भी हम लोग काई स्क्वायर टी टेस्ट एफ टेस्ट यूज़ करेंगे तो हम इनका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ अ स्टेबल मेजर. ये क्या है, एक स्टेबल मेजर है. एंड इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाई द फ्लक्चुएशन ऑफ द सैम्पल. इफ जो ये सैम्पल्स हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है, सो फ्लक्चुएशन अगर सैम्पल्स का हो रहा है तो ये बहुत ऐसा एक सेंट्रल टेंडेंसी जो बहुत लीस्ट क्या होता है, अफेक्टेड होता है. ठीक है, फिर आता है दैट इज डीमेरिट्स ऑफ द अरिथमेटिक मीन. सो डीमेरिट्स क्या है, इट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू. ठीक है, जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उससे ये अफेक्टेड होता है. इट प्रोवाइड द लाफेबल कंक्लूजन. लाफेबल कंक्लूजन मीन्स की अर्थमेटिक मीन समटाइम प्रोवाइड एब्जर्ड रिजल्ट विच कैन नॉट ई पॉसिबली हैपन और दी एग्जिस्ट. कभी कभी ऐसे रिजल्ट को भी ये दे देता है जो पॉसिबल इन रियालिटी जब हम बात करते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट है मीन वैल्यू मे नॉट फिगर इन द सीरीज. ठीक है, सो समटाइम द सिंगल वैल्यू वी कैलकुलेट एज मीन मे नॉट बी वैल्यू फ्रॉम अमंग द गिवन डेटा. वो उस मीन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो एग्जैक्टली अगर हम लोग डेटा से कंपेयर करेंगे तो वो डेटा में होता भी नहीं है. सो मोर इम्पॉर्टेंस टू दी हायर वैल्यू. ये क्या होता है, जो मीन होता है अगर हायर वैल्यू रहेगी तो उसकी वैल्यू भी हायर आएगी. ठीक है, फिर है मैथमेटिकली कैलकुलेटेड. सो अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी चूजन जस्ट बाई ऑब्जर्वेशन. हम अर्थमेटिक मीन को जैसे हम लोग मोड को कहते हैं कि जितना नंबर ऑफ टाइम्स जो ज़्यादा है उसी को मोड ले लेते हैं, बट
अर्थमेटिक मीन के साथ क्या है, वो क्या है कि उसको हम लोग चूज नहीं कर सकते बाय द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल द मेरिट एंड द डीमेरिट्स ऑफ द अर्थमेटिक